प्रदेश भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए जाने पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री की कुटिल हंसी पर आक्रोश जताते हुए कहा, सफेद झूठ बोलकर लूट रहे हैं वाहवाही। दुर्ग भाजपा के राजनीति गलियारों में दुर्ग सांसद विजय बघेल के प्रदेश भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति संयोजक नियुक्त होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने खुशियों के साथ गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत भी किया। सांसद विजय बघेल द्वारा धान खरीदी को लेकर दुर्ग भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली गई। यहां पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का 80% धान नहीं खरीदता का सफेद झूठ केवल ठगेश जी ही बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुटिल हंसी पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने मेहनत कर घोषणा पत्र बनाया, जिसके तहत अब उप मुख्यमंत्री बने TS सिंहदेव ने भी घोषणा पत्र बनाने को लेकर इनकार कर दिया। साथ ही बताया कि 2020-22 में केंद्र सरकार ने लगभग 94% खरीदी की है। इसके साथ ही दुर्ग सांसद ने शराबबंदी, किसानों का धान खरीदी और झूठी वाहवाही पर अपनी बात कहते हुए मीडिया से मुखातिब हुए। वर्तमान जो सरकार है उसके घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा था और हम लोग झूठ बोल के सरकार में आना नहीं चाहते। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम सेवा के लिए सरकार बनाते हैं, लेकिन ये लोग शासन करने के लिए सरकार बनाते हैं। शासन में आते ही सारे वादे भूल जाते हैं। अभी जो 36 वादे इन्होंने किए थे, घोषणा पत्र में डाले थे, उसमें धरातल पर एक भी कुछ है वो नगण्य है, लेकिन बाकी सब धरे के धरे रह गए। आज आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक के, न्यायालय से लेके मंत्रालय तक के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में हैं। आज भी बहनें वहाँ चीख चीख कर अपना हिसाब मांगनी, अपने अधिकार मांग रही है। घोषणा पत्र में जो इन्होंने संकल्प पत्र के रूप में दिया है उसके लिए वो हिसाब मांग रही है। देखिए, ये समय और वक्त के तकाजा का ये मांग है और हम लोग जब बैठेंगे, विचार विमर्श होगा, तब उस पर निर्णय होगा। अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कल ही मुझे ये दायित्व मिला है, समिति गठित हुआ है। हम लोग बैठक दर बैठक बैठेंगे, विचार आएंगे, लोगों से भी हम जन जन से इसके बारे में राय लेंगे। बहुत सी बातें और हैं उसके लिए बारे में राय लेंगे। जो जो इसके किसी भी, चाहे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, चाहे बेरोजगारों के, महिलाओं के, खिलाड़ियों के, लोक कलाकारों के, पत्रकारों के, इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा हो सकता है, कैसे इनका जीवन स्तर हम सुधार सकते हैं, आर्थिक रूप से इनको कैसे हम मदद दे सकते हैं, इन सब बातों का उल्लेख उसमें होगा। और जो अभी एक मूल बातें हैं कि शराबबंदी ना करने पर भी जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये जन आंदोलन के रूप में क्यों नहीं आते, क्यों महिलाएं आगे बढ़कर आज इसका मुतोड़ जवाब देती हैं। मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है शराब के ऊपर, वो भी कीमत बढ़ने के बाद भी जो पीने वाले लोग हैं उनके मन में आक्रोश क्यों नहीं है, ये होना चाहिए। और इसीलिए घमंड भरे शब्दों में ये सरकार घमंड से चोर, एक कुटिल हंसी हंसते हुए हमेशा इस बात को वो कहते हैं कि मन में ऐसे विचार रहते होंगे उसके, मुँह में तो नहीं आ पाता, कई बार आ भी जाता है। मतलब हमने अच्छा बेवकूफ़ बनाया लोगों को और भ्रष्टाचार का हमारा अड्डा बना दिया शराब को, इस तरह के भाव आते होंगे। जब हंसते हैं तो लगता है कि वो खुल के हंसी, जो निश्चिंत हंसी होती है ना, जो मुस्कुराहट होती है, उसके चेहरे में नहीं है मुख्यमंत्री। तो ये हमने देखा है और जनता ने देखा है। नकल करके हम घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, हम अकल लगा के बनाएंगे। हम नकल पर विश्वास नहीं करते। हम तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव के साथ वो काम करते हैं और उसी भाव के अनुसार हम इस घोषणा पत्र को बनाएंगे। क्या माना जाए, ऐसा नहीं है कि एक पद के लिए दूसरे पद को आकलन करें। पार्टी जो भी आदेश करती है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। मैंने जैसे पहले ही कहा, एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को इतना बड़ा दायित्व तो दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है और मैं हमेशा पार्टी का ऋणी रहूँगा। एक माँ के रूप में पार्टी को पूजूंगा और जो भी मेरे अच्छा करना होगा मेरे को, वो सब मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से करूँगा। बनाने वाले नहीं हैं, उनकी भावनाओं को ठेस लगी है, वो खुद उससे अलग हुए हैं। वो खुद बोले हैं कि अब मैं घोषणा पत्र की जवाबदारी नहीं लूँगा, क्योंकि तो पीड़ा दर्द उनके मन में भी है। पाँच सालों में साढ़े चार साल जो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ की, जो जनता की भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया, इस सरकार ने खिलवाड़ किया, उसका दर्द उनके मन में भी है। बहुत मेहनत से उभर आए थे और उसी मेहनत के प्रतिफल में एक लोभ लुभाने तरीके से जो बातें घोषणा पत्र में आई, उसमें बह गए लोग, उनके भरोसे में चले गए और तभी ये 15 साल की सरकार हमारी निकल गई और प्रचंड बहुमत से उनको जीत हासिल हुआ। लेकिन आज विश्वासघात हुआ है। ये उनके ही नेता, आज के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी भी समझ गए हैं कि धोखेबाज है मुख्यमंत्री, फिर से धोखा देगा, इसलिए मैं जवाबदारी नहीं लूँगा। जिस तरीके से देखिए, ये सब पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है, चुनाव किसको लड़ाना है, कहाँ लड़ाना है, कैसे लड़ाना है, वो तय करती है। पार्टी का जो आदेश होगा सिरोधार्य है। मैंने पहले ही कहा, हर वर्ग के लिए नाम लेके बोला, पत्रकारों के लिए भी, हर वर्ग के लिए जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, जो आपकी भावनाओं के अनुसार, हम लोग आप लोग के साथ भी बैठेंगे, आप लोग के साथ भी मिलेंगे, आपकी क्या अपेक्षाएँ रहेगी सरकार से, उन सब बातों का समावेश हम करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।